नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। फिरोजाबाद के थाना नगला सिंधी क्षेत्र के रहने वाली सरिता देवी ने अपने ससुर पर आरोप लगाया है कि उसका पति विकलांग है। जब वह काम पर चला जाता है तो उसका ससुर उसको गलत निगाहों से देखता है और गलत काम करने के लिए कहता है। जब इसका विरोध किया तो ससुर ने महिला के साथ मारपीट की। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में घायल अवस्था में बैठी महिला इस वजह से घायल हुई है क्योंकि इसके ससुर ने इसके साथ मारपीट की। इस महिला का आरोप है कि इसका ससुर इस पर गलत नज़र से अपनी नीयत खराब करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत काम करो। महिला का ये भी आरोप है, मेरा पति विकलांग है, इसका फ़ायदा मेरे ससुर उठा रहे हैं। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरे साथ मेरे ससुर ने बेइज्जती की और मैंने कुछ की सो मारा। एक पोत हो गई, दो पोत हो गई, तीन चार पोत का चांस है। कभी किसी के बहाने, कभी किसी के बहाने मारता रहता है। और ये कहता है मेरे लिए रहे, मेरे लड़के के लिए नहीं रहेगी, नहीं तो चांस से मार दूंगा। सो मैं भाग रही, सो कारी दे रहा, सो मार रहा, सो मार मूर के भाग गया। जान से खरा तुझे जान से मार दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यही और मार मूर के भाग गया। मोहल्ला वाले फिर पट्टी को ले गए, मुझे होश नहीं रहा। फिर मेरे मम्मी पापा आए हैं परसों, जब मैं कल टांग पे ऐसी लिबा गई तब लेके आए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर। रामपुर के? तो रामपुर से यहाँ कहाँ पर रहते हो? यहाँ पर तो आए हम, यहाँ पर आए हुए हो? हाँ। तो किस तरह की जबरदस्ती करते हैं? मार तो पीटता है, घर में से निकलता नहीं है। कतई जे काम पे चले जाते वो नहीं निकलता है, वही घर में ही रहता है, एक मिनट नहीं निकलता है। मैं निकल जाऊँ बाहर तो ये कहता है कि ये निकल गई, ये भू हो गया, जो हो गया। मेरे कपड़े सब बाहर ले जाके फेंक देता है और सबरी चीज निकाल ले जाता है। तो क्या बोलता है? ये बोलता है तू किसी कहीं नहीं जाई, नहीं रहे मेरे पास बैठ, मुझसे बोतला। और किस चीज से मारा? डंडा तो खूंटा को उससे मारा। हाँ। किसी ने बचाया नहीं? किसी ने नहीं बचाया, कि दो लड़की गई, मुझे तो होश नहीं रहा। वो सवेरे में बता रही, दो लड़की गई, उनने बचाया, सो उन पे डंडा लेके आया, सुबह डर के माए। फिर मेरा खून देख के सब भाग भाग गई लेडीज, कोई आदमी आता नहीं है। फिर आए आपके पति ने कोई एक्शन नहीं लिया? मेरे पति ने कुछ एक्शन नहीं लिया। मेरे पति तो खुद कह रहा है उसे जान से मार दूंगा। रात बिन ने फोन करो आ जाओ घर है तो आओ, ये रिश्तेदार रुके हैं तो आ जाओ। सुनो कर अब तुझे जान से मार दूंगा, अभी क्या हो गया तो मारेंगे। अभी बच गई है, अब बचेगी और नहीं, अब बचा लेना। ऐसे कैसे बचाए तू? कहाँ कौन ले गया आपको? पति है उसके साथ में? आई हमारे पति साथ लेके आए। माँ बाप है इसके? उन्हीं के फेवर में? नहीं नहीं, तुम्हारे फेवर में? हाँ वो तो मेरे फेवर में। वो कहे तो उन्हें भी मार धमकी लगाता है, घुटनों को लगाता है मारने को। मेरे पति विकलांग है? मेरे पति विकलांग है। अब वो तंगड़े हैं, हमारे पति कमजोर है, सो उन पे कुछ होता नहीं है, यही समझ आ देते हैं वो कुछ नहीं। और फिर क्या करें वे? फिरोजाबाद से साहिल खान की ये रिपोर्ट।